हाय एंड हेलो, दिस इज रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास। हो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। सारे तरह के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्लास हो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे डेसिमल्स में है, इसको ऐड करना है। डेसिमल में ऐड करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले मान लीजिए ये नंबर हम लोग लिखें 0.098, ठीक है। जो दूसरा नंबर लिखेंगे ना, इसको बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी एडिशन तो आपको आता है। इसको क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसके नीचे पॉइंट लगाएंगे और ये वाला 98 इसके नीचे 98 और यहाँ पर आ जाएगा 0। और ये नंबर का जो पॉइंट है यहाँ लगाएंगे डेसिमल, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। 98 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 0 ऐसे करके। तो ये वाला डेसिमल यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 और ये आ जाएगा 98। अब जस्ट सिंपली जो आपका एडिशन होता है वो एडिशन करना है। यहाँ पे अगर 0 लगा दे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 8, फिर यहाँ पे आ गया 8। देखिए कैरी था ना एक, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे 1। तो आंसर तो बी हम लोग का सही आंसर है। समझ में? सपोज मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 25.45 प्लस 2.545 प्लस 11.5, इसको ऐड करना है। इसको कैसे ऐड करेंगे, तो बस सबसे पहला नंबर आपको लिखना है 25.45, उसके बाद ये जो डेसिमल है ना इसके नीचे लिखना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 5 4 5 लिख दिए और ये वाला जो 2 होगा इसके नीचे होगा और ये वाला नंबर का यहाँ जो डेसिमल है ये लिख दिए, यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे 1 1 1 1 लिख दिए। अब इसको जो है सिंपल ऐड जो करते हैं हम लोग, एडिशन कर दीजिए, ठीक है। अगर 0 लगाना चाहे तो 0 भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4 और यहाँ पे 5 4 9 9 2 11 का और 1 12 क्योंकि कैरी था। यहाँ पे 5 2 7 1 8 1 9, यहाँ पे 3 1 1, ये वो आंसर। समझ में आया? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डेसिमल वाला एडिशन कैसे करता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 19170। ये जो डिवाइड है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ये वाला जो टर्म होता है ये उल्टा हो जाता है। इसके नीचे 1 है तो ऊपर चला जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 54। ये वाला डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे भी 1 है तो ऊपर चला जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 5। जब आप इसको कैलकुलेशन जब इसका सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 71 आएगा। देखिए 5 से यहाँ पे काटे, 5 3 15, यहाँ बचा 4, 5 8 40, यहाँ बचा आपको कितना, यहाँ 5 3 15, 5 6 20, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे काट सकते हैं कितनी बार में, 71 बार में। ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9/13 है, ये सारे फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करना है। ये वाला जो डिवाइड है इसको अब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं, ये वाला जो टर्म होता है ना ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 26 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 18। फिर ये वाला डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे, ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 52, नीचे आ जाएगा 90। अब इसको काटेंगे, देखिए ये कटा 10 टाइम्स, ठीक है, ये कटा 2 टाइम्स, ये कटा 9 और कटेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 6, यहाँ हो जाएगा 5। तो कितना आ गया, 26, नीचे आ गया 45। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो है सही आंसर है, ठीक है, 26/45 ये हम लोग का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना है इसको, 0.00048 है, ये डिवाइड है, जैसे इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 0.08। अब देखिए इसको क्या करना है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगाएंगे, कितना 0 लगाएंगे, 5 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 0 डिजिट है, यहाँ पे लगा दिए 5 0। उसी तरह से ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगाएंगे 00, क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट है, लगा दिए। अब ये 0 और ये 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया। अब आप ये सब 0 नहीं काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.00048, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, है ना। उसी तरह से यहाँ भी लिखा हुआ है 0.08, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे काटेंगे इसको 6 टाइम्स, तो ऊपर बचा 6, नीचे बचा कितना, 3 0। इसको जब ये डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, यहाँ पे 0.00
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। इसको क्या करना है, 10^9 10^2। ये डिवाइड को जैसे हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 10^3। अब यहाँ 10^2 है यानी कि 100, यहाँ पे बचा 10, ये 2 कट जाएगा। अब ये वाला 10 कटेगा, ये वाला 8, तो 10^8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। इसमें क्या करना है, देखिए इसको एक आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखिए या अदरवाइज कॉमन लेके हम लोग कुछ हल्का कर सकते हैं। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4^3 लिख सकते हैं। देखिए 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64, यहाँ पे हो गया 5^4। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस, 5^4 को रहने देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं, 4^2। अब जो कॉमन है दोनों टर्म में, देखिए यहाँ भी 5^4 है, यहाँ भी, तो कॉमन ले लिए, और यहाँ भी 4^2 है, यहाँ भी 4^2 है, तो कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, तो आपको यहाँ पे बचा है 4 - 1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 × 1 = 25, तो करेंगे 16, तो करेंगे 3। ये सारे टर्म को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए कि आंसर कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को पॉज करिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ 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 वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक में, व्हाट्सएप में। ठीक है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और भी अच्छे कंटेंट में लेकर मैं आऊँगा आपके लिए। देखिए ये बोर्ड मास का यहाँ पे रूल लगेगा, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग का देखिए बोर्ड मास क्या होता है, BODMAS। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का यानी कि मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऑलरेडी हम लोग बेसिक सीख चुके हैं, इसी चैनल पे अवेलेबल है। बोर्ड मास सर्च कीजिएगा, बोर्ड मास क्लासों, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले ये वाला काम लोग को काम करना होगा छोटी ब्रैकेट का। तो +23 - 23 कट गया, यहाँ पे कितना बचा 0, 23 में से 0 गया तो कितना आया 23, फिर यहाँ पे 23 - 23 कितना आ गया 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया है ना, यहाँ पे कितना आया 23 में से 0 चला गया तो कितना आया 23, फिर 23 - 23 कितना आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए बोर्ड मास का नियम लगाकर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट का काम करना होगा। देखिए ब्रैकेट में 3 तरह का होता है ना, एक छोटी ब्रैकेट, फिर एक मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आया, तो हम लोग को इसका काम करना है। तो यहाँ पे -13 - 2 कितना हो जाएगा -15 में से 15 चला गया। देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया 46 माइनस या 15 और -13 - 2 कितना हो गया -15। समझ में आपको, और ये 15 - 15 कितना हो गया 0, यानी कि इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, है ना। और 46 में से 0 चला गया तो कितना आया 46, यानी कि हम लोग इस पूरे टर्म को यहाँ से 46 लिख सकते हैं ना, यहाँ से लिख सकते हैं -48। अब यहाँ पे क्या करना है, 27 - 38 और ये -48, तो यहाँ पे माइनस होगा, कितना आएगा देखिए 48 में से यहाँ 46 होगा, सॉरी, ठीक है, 46 होगा, ये लिखा गया, तो ठीक कर लीजिएगा, 46 में से 38 घटेगा तो कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे -8 और ये -8 आया और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड मास का ये। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट का काम होगा, में भी किसमें काम होगा, उस इसके अंदर भी देखिए एक है मल्टीप्लाई, एक है डिवाइड है, एक माइनस है, तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 77 - 46 - 66 - 52, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा -7 × 3, है ना। ठीक है, 77, आपको एकदम किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए,
इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसको आप क्वेश्चन में ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 21, 52 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा 31, ठीक है। अब 66 में से 31 घटेगा तो कितना आएगा 35 आएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 35, 46 में से 35 घटेगा तो कितना आएगा 11 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना 11, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर है। समझ में आया आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं बार। देखिए बोर्ड मास में होता है बी ओ डी एम ए एस, इससे पहले होता है वी, यानी कि वर्णाकुलम, इसी को बोलते हैं हम लोग बार। तो सबसे पहले हम लोग बार का काम करते हैं, उसके बाद ही हम लोग खिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 5, 12, यहाँ पे देखिए कितना आ गया 9 + 6 - 12, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 6, 15, यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि ये वाला ब्रैकेट से आया 3। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो आ गया 3, यानी कि 56 / 1/3, और यहाँ पे जो है ना डिवाइड होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया है, डिवाइड यहाँ 15 + 12 - यहाँ से कितना आया, इस पूरे से यहाँ पे 12, यहाँ से आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपको, इसको जो हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इस दोनों को ऐड करके यहाँ से 3 घटाना है, ठीक है। ये 3 कहाँ से आया आपको, इसको सॉल्व करके 3 आया, तो यहाँ गया 56 / 1/3, इसको जोड़े तो कितना आ गया 27 - 3 हो गया 24। अब इसको सॉल्व करेंगे 56, इस डिवाइड को हम लोग क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, फिर इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो ये इसके नीचे 1 है तो ऊपर 1, नीचे 24 आ जाएगा, हो गया 38 जो यहाँ हो गया 7, तो आंसर कितना आया 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर, ठीक है। समझ में आया ना, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सब। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका काम करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 28, यानी कि 112 को जब हम लोग 28 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, है ना, तो यहाँ से 4 आया, तो ये 4, फिर इसमें से 25 में से, यहाँ पे देखिए 144 - 37 - 25, देखिए यहाँ से आ गया कितना 28, और इसको जब डिवाइड किए तो आ गया 4, ठीक है ना, 144 / यहाँ हो गया 40 - यहाँ पे कितना आया 21, 37 में से 21 घटा तो कितना आ गया आपको, यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे आ गया 16, 144 / तो जो माइनस करेंगे कितना आएगा 24, ठीक है ना। अब इसको जब 24 से हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही आंसर है 6। समझ में आया आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है कितना 62 माइनस, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये +3, है ना, उसके बाद अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, गलत होने के चांसेस नहीं होना चाहिए, -3 - इतना इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा -14, ठीक है, तो -14 यह डिवाइड 3, तो इस ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास में BODMAS, तो यहाँ हो गया क्या ऑफ, ऑफ मतलब हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे पहले हम लोग को इसका काम करना होगा, याद रखना है। अच्छा इस ब्रैकेट का अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 - 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +2 + 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, तो हम लोग को सबसे पहले इसका काम करना है क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, ये क्या है ऑफ है, यहाँ 62 - 3, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे -, -, +, ठीक है, और ये -, -, यहाँ हो गया 42, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 + 42, यहाँ पे हो गया डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 21,
अब इसको डिवाइड करेंगे 62 माइनस 21 दुना 2 और यहाँ पे आ गया 60। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए? बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, जितना भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 2 3 6 और 1 7/3 मतलब 3, यहाँ पे हो गया 3 और 1, तो 2 1 2 और ये 3/2, ठीक है ना, ये हो गया ऑफ, यहाँ पे हो गया 3/5 प्लस 5 6 5 5 2 7/5 डिवाइड 3 2 6 और 1 7/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इस दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 3 2, यहाँ हो गया 14 माइनस 2 3 जा 9, इस ऑफ को क्या लिखना है मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 3/5 प्लस 7/5, इस डिवाइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई लिखे तो ये टर्म उल्टा हो जाएगा 3/7 है ना। यहाँ पे देखिए 14 में से 9 गया कितना आएगा 5, यहाँ पे हम लोग 5 लिख देते हैं इसको मिटा कर 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 कटा 3 2 जा यानी कि ऊपर आया 1/2, ये 7 7 कट गया तो यहाँ पर आया 3/5, इस दोनों का एलसीएम लिए तो हो गया 10, यहाँ पे 5 प्लस 2 3 जा 6 तो 11/ कितना आ गया 10। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या गया, ठीक है, समझ में आया कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 14, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है वहीं पे वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो दो लाइन है ना, ये जैसे देखिए यहाँ पे -5 और ये दोनों लाइन, इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है। तो ये जो माइनस, ये मॉड हटाएंगे ना तो ये वाला जो वैल्यू निकलेगा ना वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, तो हो जाएगा 5। यानी कि अगर इस तरह से रहे तो भी होगा 5 और इस तरह से रहे तो भी होगा 5, ठीक है, मॉड हटाएंगे तो। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मॉड लगा हुआ है, तो 3 1 जा 3 -6 तो कितना हो गया -3 और ये मॉड हटा हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर, ठीक है, ये वाला आंसर नहीं मार्क करना है, पॉजिटिव वैल्यू इससे निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर है। तो ये कुछ 14 क्वेश्चन था, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हम लोग डेसिमल भी देखे और फ्रैक्शन भी देखे, उसके बाद बोर्ड मास देखे। आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा विद इन 1 to 2 मंथ, और एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होगा फिर, ये सारे जो भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।